तस्वीरें कटनी के बहोरीबंद तहसील के स्वामीनाबाद थाना क्षेत्र की है, जहां ये महिला और इसका परिवार खेत में विद्युत टावर लाइन लगाने का विरोध कर रहा था। इसी दौरान तीन महिला पुलिसकर्मी विरोध कर रही इस महिला के बाल पकड़कर इसे पीटने लगती है। मौके पर मौजूद ग्रामीण महिला पुलिस के अमानवीय व्यवहार का वीडियो बना लेते हैं, लेकिन पुलिस सभी वीडियो को फोन जब्त कर डिलीट कर देती है। मामला 6 जुलाई का बताया जा रहा है, लेकिन घटना का एक वीडियो किसी अन्य ग्रामीण ने रिकॉर्ड कर लिया था, जिसके आधार पर पीड़ित महिला अब कटनी एसपी से गुहार लगाने पहुंची है। मारपीट के ग्राहक का कारण कि हम रोक रहे थे लाइट की, लाइट न जाए हमारे यहाँ से। और कितने लोग मारपीट कर रहे थे? मारपीट तो दो तीन पुलिस रहे, दो पुलिस रहे और दो मैडम रही थी यहाँ बगल में खड़ी थी। वो बच्चे के तो पेड़ में घुसेर के उनको दबोच रही थी। तुम्हारे खेत से क्या जाना है आखिर, क्या लगा रहे हैं? लाइट टावर वाली लाइट, जो बड़ा बड़ा खम्मा है, जो कोई 32 के भी। और ये खेत किसका है, सरकारी जमीन पे या नहीं? खरीदी जमीन पे है अपने आप। वही मामले में जब एसपी साहब से पूछा गया कि महिला पुलिसकर्मी महिला के बाल पकड़कर उसे पीट रही है, उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे, जिस पर एसपी साहब क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए। पुलिस बल के द्वारा विरोध को शांत कराया गया, उसी से जुड़ा हुआ ये मैटर। पुलिस के द्वारा कोई मारपीट नहीं की गई है, महिला बल के द्वारा ही, महिला द्वारा जो वहाँ पर उत्पात मचाया जा रहा था उसको रोकने का प्रयास किया गया, और फिर उसके बाद महिला की गिरफ्तारी भी करके 151 में उसको जेल भी भेजा गया था। सर, बाल पकड़ के घसीटते हुए उनका वीडियो आया उसके सामने। हाँ, तो महिला पुलिस बल के द्वारा विधि सम्मत कार्रवाई की गई है। महिला का कहना कि वो अपने खेत की मुआवजे के लिए जमीन मुआवजा नहीं दिया गया था उसका। वो मुआवजा से संबंधित कार्रवाई चल रही थी और उसको सब नॉलेज में है महिला को, कि उसके अधिग्रहण से जुड़ी कार्रवाई है, सब प्रकार की जानकारी उसे उपलब्ध की गई है, उसके द्वारा इस संबंध में असत्य जानकारी दी जा रही है। एसपी साहब तो कार्रवाई को सही ठहरा रहे हैं, लेकिन अगर विरोध में पुलिस अगर ऐसा व्यवहार एक महिला के साथ करेगी तो क्या ये आपके हिसाब से सही है? हमें कमेंट कर जरूर अपनी राय दें। कटनी से अमर ताम्रकार की रिपोर्ट, एमपी तक।